निखियोंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चरण कमल तेरे धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे चरण कमल तेरे धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा आपे करने हारा चरण धूल तेरी सेवक मांगे चरण धूल तेरी सेवक तेरे दर्शन को बलिहारा तेरे दर्शन को बलिहारा चरण कमल तेरे धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे राम राय
आए तुद भावे ता नाम जपावे तुद भावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लईए सुख तेरा दिता लईए चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला कमल तेरे धोए धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला कमल तेरे धोए धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु
दीन दयाला सतगुर दीन दयाला मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए कीर्तन तेरा तो हाँ बेकुंठ जय है कीर्तन तेरा कीर्तन तेरा कीर्तन तेरा तो हाँ बेकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदाराए तू आपे सरदाराए चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे धोए धोए चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सुहावी कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया जित तुमरे द्वारे आया प्रभु भय कृपाला नानक को
प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया सतगुरु पूरा पाया चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु कमल तेरे धोए धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा ए केड़े चरण हन मेरे पातशाह कहंदे हन ए शब्द रूपी चरण हन तम संसार चरण लग तरी है ए गुरु का शब्द ही चरण हन ते जेड़ा प्यार नाल जपदा है गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा खिन विच भव सागर तो पार हो जांदे हन जेड़े शब्द रूपी चरणा नाल जुड़दे हन आप पढ़दे हो ना माई चरण गुर मीठे ओ केड़े मीठे हन हे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह तेरी बाणी ही मीठी है अमृत धार है अमृत दी फुहार है लोक परलोक सवारन वाली है गुरसिखां दी आत्मक खुराक है मनुच्छा जन्म दे कल्याण करन लई ए गुरु की बाणी दे चरण हन जो भी कोई इना नाल लग गया ओ फिर नरका विच नहीं जा सकदा ओ गुरु नानक दे द्वार पहुंचेगा साथ संगत बोलो श्री वाहे गुरु चरण कमल जिन्हां ने चरण वसा ले हिरदे विच कबीर जी नू पुछो ना स्वर्ग चाहिदा कहंदे कोई ना स्वर्ग तां पुन्ना करके मिलदा है पुन खत्म हो गए फिर उत्थे ही पहुंच गए जिथों चले सां ते फिर नरक कबीर जी कहंदे नरकां विच मैं इसलिए नहीं जावां जावांगा कि मैनू पूर्ण गुरु रामानंद जी गुसाई पूर्ण गुरु दी प्राप्ति होई है जिन्हां नू पूर्ण महापुरखां दी संगत प्राप्त है वह कदे नरकां विच जा ही नहीं सकदे आख्या फिर कोई तुहाडा बेकुंठ है भी सही तुहाडा कोई स्वर्ग है भी सही तां कबीर जी कहंदे ने मेरा स्वर्ग मेरा बेकुंठ तां आ साध संगत है कह कबीर को कहिए काहे साध संगत बैकुंठे आहे ओ बैकुंठ है मेरा ओ स्वर्ग है मेरा कबीर चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद कबीर जी नो पुछो कहंदे स्वर्ग नरक ते मैं रहो सतगुरु के प्रसाद चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद आख्या फिर कोई चरणा दी मौज दा नमूना तो दसो तो कबीर जी कहंदे चरण कमल की मौज को कहूं कैसे अनुमान कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान कोई दुनिया ते ऐसी मिसाल नहीं जिदी मिसाल गुरु के शब्द रूपी चरणा नाल दिती जा सके साथ संगत बोलो श्री वाहेगुरु ओ कैसे हन चरण जिन्हां ने वसा ले गुरु ने हर थां ते उन्हां दी रक्षा कीती
भीम चंद राजे दा वजीर सी भाई देवी चंद गुरु साहब दी हजूरी विच आया आनंदपुर साहब सत संगत दा बैकुंठ देख के आनंद देख के मस्ताना हो गया प्यार विच भिज गया कहिंदा चलो मैं दसा क्योंकि जिस राजे दा मैं नमक खाना उहदा भला हो जावे ते वापस जदों आनंदपुर साहब तो आया भीम चंद राजे कोल गुरु नानक दे घर दियां तारीफां कीतियां उस्तत कीती किवें वड्डे तो वड्डा कोई पापी आ जावे किवें गुरु साहब अपने गल नाल ला लैंदे हन किवें तारदे हन किवें मेहरा वरसा रहे हन किवें बख्शिशां कर रहे हन किवें नीचां तो ऊंच कर रहे हन किवें भिखारियां नूं पातशाहियां दे रहे हन जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी उस्तत सुनी भीम चंद राजे ने तां इहदा तन मन सड़ के सुआह हो गया आख्या तू नमक मेरा खाना ते उस्तत मेरे दुश्मन दी प्या करना है भाई देवी चंद जी वजीर कहन लगे राजन ओ किसे दा दुश्मन नहीं है ओ निर्वैर है किसे नाल उहदा वैर नहीं पर ए भी याद रखी के निरभउ भी है उन्हों डर भी किसे दा नहीं सात संगत बोलो श्री वाहिगुरू आख्या फिर मैं वेखदा तैनू किवें ओ बचाउंदा गुरु गोबिंद सिंह दी तू तारीफ करे मेरे दरबार च खलो के आख्या इदियां अखां विच गर्म सूए लाल करके इदियां अखां विच परो के इनू जला वतन कर दियो कढ दियो रियासत तो ही बाहर कढ दियो ये इत्थे रहण दे लायक ही नहीं प्यारी सात संगत जी उना अखां विच गुरु के शब्द रूपी चरण वसे होए सानू उचारण करो श्री गुरु दे चरण भी ओही हन ते शब्द रूप चरण भी ओही हन जलाद ले जा रहे हन आख्या वजीर साईं कदी वक्त हुंदा सी तेरे एक इशारे ते असी चलदे सां पर अज की करिए राजे दा हुक्म ही ऐसा है अज असी कोई मदद नहीं कर सकदे तां फिर वजीर ने कहा भाई तुसी जे कोई मदद नहीं कर सकदे तां मैनूं समां तां दे सकदे हो ना मैं नितनेम कर लवां देवी चंद वजीर ने धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे चरण अपनी अखां विच वसा ले जप जी साहब दा पाठ कीता अरदास कीती जो तुद भावे नानका साई गल चंगी जिवें तैनू चंगा लगदा मेरे मालका ओवें ही मंजूर है ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें तिव होवना ये सब कुछ तेरे ही तो हुक्म विच हो रहा है जालमा ने लाल सूए ताके अखां विच दे के छिट दिता परे पर उन्हां अखां विच चरण वसे होए सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सात संगत बोलो श्री चरण वस गए सी ओ सूए देवी चंद दियां अखां विच नहीं लगे ओ सूए सतगुरां दे चरणां विच जा लगे जो जुड़े बैठे सन दीवान दे विच संगतां सुशोभित हन इस तरह दा दरबार सी के चित नहीं सी रजदा वेख वेख के एक पासे अजप्पा जाप करन वाले प्रेमी बैठे हन दूजे पासे सूर वीर एक इशारे ते अपना आप निशावर करन वाले बैठे हन भगत जन बैठे हन सिमरन वाले बैठे हन क्या नजारा है पर अचानक इधर जालमा ने देवी चंद दियां अखां विच सूए लाए ते ए सूए उदियां अखां विच नहीं लगे क्योंकि अखां विच चरण वस रहे सन ए सूए धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच जा लगे ते झट खून दी धारा निकली चरणां विचों सारे हैरान हो गए
सेवादार आ गए महाराज, एक ही कौतक वरताया जी, एक ही हो गया, कोई आया गया तो है नहीं। कहन लगे कोई नहीं, पता लग जाएगा। महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुप्त रखिया भाई, जिदे कारण ये होया वो आप आके दसेगा। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। इधर देवी चंद ने जदों अखां मलिया, ज्यों पर त्यों अखां वेख के आख्या हुण इस दुष्ट वल की मुंह करना है। भीम चंद वल हुण सारा जीवन आनंदपुर साहब जाके सतगुरां दे चरणां विच जुड़ के बाणी नाल जुड़ के अपना जीवन सफला करांगा। इधर मेरे पातशाह तां दीवान विचों चले गए अपने कमरे विच। भाई देवी चंद चलदा 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 आनंदपुर साहब जदों पहुंचिया, अरदास कीती, बेनती कीती सेवादार नूं, भई मैं दर्शन करन लई आया। कहन लगे अज कोई सतगुरां दे चरणां विच खेद है, इस वास्ते अज ओह किसे नूं नहीं मिल रहे, कोई नहीं अंदर जा सकदा। तां मेरे अंतर जामी शहनशाह पातशाह दशमेश जी का सानी कोई दूसरा ना देखा, आगे कोई ना होगा पीछे हुआ ना देखा। ओ दशमेश पिता जिस दियां चिड़ियां बाजां ते करन धामा, उस दे बाजां दी किड़ी कु शान हो सी, सवे लख नाल एक लड़ाउन वाला बाजा वाला ओ किड़ा बलवान हो सी। मेरे पातशाह अंतर जामी सतगुरु जी ने आवाज दिती, भाई इनू आउन दियो, इनू ना रोको। भाई देवी चंद जदों अंदर गया, मत्था टेकिया ते जदों चरणा दे दर्शन कीते, आख्या सच्चा पातशाह ओ मेरा दे साईं, ये ओ चरण तो नहीं जेड़े मेरी अखां विच वस रहे सन। तां मेरे पातशाह कहन लगे देवी चंद तेरी कृपा, ये तेरी महाराज मेरी कृपा, मैं ऐसी गुस्ताखी किवें कर सकदा। देवी चंद जदों जालमा ने गर्म तत्ते सूए तेरियां अखां विच लाए, चुप होए, उन्हां अखां विच साडे चरण वसे होए सन, इसलिए तेरियां अखां विच नहीं लगे, चरणां विच आ लगे हन। प्यार नाल आखो धन गुरु गोबिंद सिंह, फिर प्यार नाल आखो धन गुरु गोबिंद सिंह। जह जह काज कीरत सेवक की, तहां तहां उठ धावे, सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। ते सारी संगत नू भाई देवी चंद वजीर ने जदों ए सारी विरथा सुनाई, तो सारिया दा शीस झुक गया ते मुख तो पढ़ रहे हन धन गुरु गोबिंद सिंह। तन है दुष्ट दमन दाता, तन है नीचो ऊंच करन वाला मालिक, तन है मेरा प्रीतम प्यारा जो हर एक अपने प्यारियां दी हर वेले सार लैंदा, हर वेले नाल वसदा है। तो प्यारियो चरण कमल तेरे, अज देवी चंद भी यही पढ़ रहा जे, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला, मेरे सतगुरु दीन दयाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला, मेरे सतगुरु दीन दयाला। सिमर नाम जीवा,
सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला, सतगुरु दीन दयाला, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाई बलिहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, ओ गुरु नानक जप जप सद जीवा, जप जप सद जीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला, सतगुरु दीन दयाला, मेरे सतगुरु दीन दयाला, मेरे सतगुरु दीन दयाला। कितने को कौतक जो कलगीधर पातशाह जी दे दसे जान, आसमान दे आकाश मंडल दे तारियां दी तां गिनती हो सकदी है उना दे कौतकां दी, जितने उना ने तारे उना दी कोई गिनती नहीं कर सकदा। क्योंकि मनुख भुलन हार है, कई वेरां वाहिगुरु दियां बख्शियां हुईयां दातां, बख्शिया होया मान सत्कार इज्जत पा के भुल जांदा है। क्योंकि गुरु साहब दा हुक्म है कि सब कुछ पा के भी मिठा बोले, नेम चले हथों भी किश देह, ओ गुरु का सिख है जेड़ा मिठे बोल बोलदा है, ते सब कुछ चंगे कर्म कर दिया होया भी हंकार नहीं करदा, नीमा होके चलदा है, ते अपनी किरत कमाई विचों भी चंगे पासे वंडदा है, ए गुरसिख दी निशानी है। प्यारी सात संगत जी, पूर्ण गुरसिख जो है उदे विच निम्रता होवेगी, पवित्रता होवेगी, अमानत विच ख्यानत नहीं करेगा, किसे दी निंदा ना सुनेगा ना करेगा, सतगुरु दे उपदेश दा तारनी होवेगा, खंडे बाटे दा अमृत छकिया होवेगा, फिर थोड़ा समेगा थोड़ा ही खावेगा, हर वेले प्रभु दे मन विच वसा के उदे गुण गाउंदा रहिंदा है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। पर सब कुछ पा के कई वेरा ए मन हंकारी हो जांदा है, ते फिर गुरु दे चरणा विचों भी बख्शिश प्राप्त नहीं कर सकदा। साहिब कलगीधर पातशाह आनंदपुर दी धरती नूं भाग ला रहे हन, अमृत वेले दे कीर्तन दी समाप्ति होई, सतगुरु जी बाहर आए, मगर मगर संगत भी आई, ते कितों एक कलंदर आ गया रिश लैके, आ जिहड़े रिश नचाउण वाले होंदे ना, ओ कलंदर मथा टेकिया सतगुरां दे चरणा ते, ओ मेरां दे साईं तेरे दर ते आके कोई धन दौलत दे ढेर ला रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई सिमरन कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई शस्त्र दान कर रहा है, कोई घोड़े दे रहा है, सारे ही सेवा करदे हन, पर मेरे कोल होर कुछ नहीं सेवा लई, मैं आ रिश दा तमाशा विखाउणा चाहुंना, रिश नचेगा तुसी भी खुश होवोगे,
संगत भी खुश होएगी, मेरी तो इतनी कुछ सेवा जे कबूल कर लो, क्योंकि गुरु नानक दा घर बहुत वड्डा घर है। मेरे पातशाह उहदा प्यार वेख के ना कहन लगे, भाई तू आशा करके आए ते निराशा किवें जाएगा, गुरु नानक दा दर है। तू अपनी सेवा कर जड़ी कर सकना। प्यारी सात संगत जी, एक चोले विचों कलंदर ने डुग डुगी कढ़ी, बांसरी कढ़ी, बड़े प्यार नाल बांसरी वजाई, डुग डुगी खड़काई, उदे ताल ते रिछ जेड़ा नच रहा है, एक अलौकत सी उदा नचना। खेड़ा पा रहे हैं कलंदर भी ते रिछ भी, कदी रिछ उपर आ जांदा है, कलंदर नूं डेग लैंदा है, कदी कलंदर उदे उपर चढ़ के बह जांदा है, इसे तरह खेड़ पैंदी रही। संगतां हस हस के दूरियां होंदियां रहियां, पर सतगुरां दा जेड़ा चौर बरदार सी ना पाई कीर्ति आ, वो इतना हसया कि अखां विचों पानी आ गया, जल आ गया। ते मेरे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह पाई कीर्ति वल वेख के कहन लगे, कीर्ति आ पता ही कौन नच रहा है, महाराज तेरिया तू ही जाने कौन नच रहा है, ये तो तेनू ही पता है ना, दिखाई तो दे रहा भाई रिश नच रहा है। आख्या नहीं, ये रिश नहीं नच रहा, ये तेरा पिता भाई शोभा राम नच रहा है। सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। सारा सरनाटा छा गया, चुप छा गई, जे किसी ने बेनी बेरी नूं झंझोड़ दिता होवे। महाराज सतवें पातशाह दी, अठवें पातशाह दी सेवा, नौवें पातशाह दी सेवा, ते तुहाडी सेवा विच जिसने शरीर त्यागया है उनू रिश दी जूनी मिली है। मेरे पातशाह कहन लगे, भाई शोभा राम दी शोभा असी घटा नहीं सकदे, उहदी तां शोभा ही बड़ी सी, पर उहने जिन्नी सेवा कीती है हंकार नाल कीती है। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। हंकार नाल कीती, मेरे सिख दा शराप लग्या होया उहनू, क्योंकि हर जी हंकार ना भावई बेद कूक सुनावे, और सब बख्शे जांदे हन, हंकारी नहीं बख्शा जांदा, ते एक बेमुख जेड़ा गुरु तो बेमुख हो गया वो नहीं बख्शा जांदा। सिखां दे घर दा जन्म होवे, असी खंडे बाटे दा अमृत ना छकीए, गुरु तो टुट गए ना, बेदावा लिख के दे दिता है ना, नहीं भाई हुण वेला है, ये मनुच्छा जन्म निता प्रति नहीं मिलना, आओ गुरु दिया बाहां अजे ही पलक रही ने, आ गुरु के सिख पीवो पाहल, खंडे तार होए जन्म सोहेला, तेरा सोहेला हो जावे जीवन, अमृत वेले जाग नित नेम कर, पंज बाणियां दा पाठ कर, फिर अपने कार विहार ते जा, कार विहार तो खमा मिले, भले पुरछां दी संगत कर, जेड़े गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़न उना दी संगत, दूजियां दी संगत नहीं करनी जेड़े गुरु ग्रंथ साहब नाल नहीं जोड़ दे, अपने नाल जोड़ दे। मेरे पातशाह कहन लगे, भाई शोभा राम दी सेवा तां असी नहीं भुला सकदे, उहदा मान तान कदे नहीं भुला सकदे, पर उहने सेवा कीती है हंकार दे नाल। महाराज एक ही कारण की बनिया, तो मेरे पातशाह बीत चुकी सुनान लगे, कहन लगे एक मेरा प्यारा सिख भाई तन्ना सिंह, जिन्हों सुखमणि साहब कंठ सी, जिदी रसना ते आप गुरु अर्जन देव महाराज बैठे सन, हर वेले सुखमणि पढ़दा रहिंदा सी,
एक बार आनंदपुर साहब तो लंघ पिया ते सामने गुरु का दरबार वेख के आख्या मत्था टेके बगैर किवें चला जावां। गड्डे नूं पे पे पा के आप मत्था टेकन आया, भई भज के गड्डा फड़ लवांगा फिर। पर अगे कड़ा प्रसाद वरत रहा सी ते वरता रहा सी भाई शोभा राम। हाथ अगे कीते, ओ गुरु क्या लाला, ओ गुरु के प्यारिया, मैनू प्रसाद पहले दिता जावे। पर तेरे पिता भाई शोभा राम ने आख्या, क्यों रिश वांगू मेरे उपर चढ़ी आउना, पिछे होके बह जा, जदों वारी आएगी तैनू भी मिल जाएगा। भाई शोभा राम ने उदी निर्मल आत्मा नू ना वेख्या, जिस हिरदे विच पंचम पातशाह दा निवास सी, ए नहीं वेख्या उदे कपड़े मैले कुचैले वेख के कौड़े शब्द बोले। भाई धन्ना सिंह ने फिर हाथ अगे कीते, आख्या तैने एक वारी झुकिया है, एवें रिश वांगू उपर चढ़ी आउना, ते जदों तीसरी वेरी भी ऐसा बचन बोलिया ता कड़ा प्रसाद दा किनका थले डिगे होया सी धरती ते, उथों चुक के अपनी रसना ते रखिया ते आख्या बस भाई बस। गुरु घर विच ऐसे सेवादार गुरु नू कदे परवान नहीं होंदे, ते जेड़ा सेवादार गुरु के सिखां नू रिश बनाउंदा है ओ आप क्यों ना रिश दी जूनी विच पवेगा। सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। मेरे पातशाह अखां पार आईयां, कहन लगे उस गुरसिख दा बचन मैं मोड़ नहीं सकदा, भावें उहदी कितनी सेवा सी, पर ओ गुरसिख दा वाक पूरा होना सी, इस लई रिश दी जूनी विच फटक रहा है। जिस वेले कलंदर ने सुनिया हैरान रह गया, कहंदे महाराज मैं हैरान सां, जिथे भी किते सतसंग हुंदा सी ना मैनू खिच के लै जांदा सी, भावें इनू संगत विच नहीं सन बैन देंदे, परे होके बह के सतसंग सुनना, गुरु के बचन सुनदे रहना, बैठे रहना, आनंद विच रहना। पर अज मैनू पता लगा कि इस दी पिछली कमाई पिछली भगती सी जिस करके तेरे चरणा नाल जुड़िया होया सी। भावें सिख दा वाक पूरा होया है, पर इहदी आत्मा तो तेरे चरणा में जुड़ी हुई सी। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। सारी संगत दे हाथ जोड़ गए, बेनती कीती महाराज हुण रिश जूनी तो इनू मुक्त करो, तुहाडे दर दा सेवक है, सेवादार है। महाराज ने फिर दीवान सजाया, कड़ा प्रसाद दी देग मंगवाई, अरदास होई ते पहले कड़ा प्रसाद महाराज दा बचन होया, रिश नू दियो, रिश नू पा के आओ। रिश नू जदों पा के आए कड़ा प्रसाद, सकदियां सार ही उदी आत्मा ने उडारी मारी, गुरु नानक दे चरणा विच जा बिराजी। उदी रूह ते शरीर रह गया, हुण कलंदर रोन लगा, महाराज मेरा तो बाल बच्चे का गुजारा ही यही सी। मेरे पातशाह कहन लगे जितने पैसे तैनू चाहिए हन ओ खजाने विचों मिल जाणगे, तैनू रोण दी लोड़ नहीं, इत्थे तां रोंदे आंदे हन ते हसदे जांदे हन, तू किवें रोएगा, जो मर्जी है मंग लै। प्यारी साध संगत जी, इन्हां बचना तो सानू ये प्रतीत हुंदा कि गुरु घर की सेवा करदियां वी संगतां दे जोड़े अपनियां अखां नाल पूंजिए, संगतां दे जोड़े अपने शीश ते रखिए, संगतां दे जोड़े चाड़िए, चरण धो के उन्हां दे साफ करिए, गुरु कियां दरियां चाड़ के त्रप्पड़ जाड़ विछाएंदा, इस तरह दीवान दी सेवा, गुरु के लंगर दी सेवा करिए, लंगर दे जूठे बर्तन मांजिए। मेरे पातशाह कहंदे नी इतना कुछ करके भी हंकार नहीं करना, आ वेखो हंकार दा नतीजा की निकलिया,
ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਮ ਪੁਸ਼ਪ ਵਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿੱਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾ। ਆ ਰੋੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਰੋੜਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਠਿੱਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੇ ਠੇਡੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਫ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਕਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ,
ਭਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਲਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਚੜਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆ ਰੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਰੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਖਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖੇ ਬਣ ਜਾ ਖੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੋ ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਉ ਧਰਣੀ ਮੈਂ ਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਖੇ ਵਰਗਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਖੇ ਵਰਗਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਖੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਲ ਨਾ ਬਣ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਏਦਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਜਲ ਵਰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਖੌਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾ ਬਗੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਣ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੂਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੋ ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੂਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੋ ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ ਔਗਣ ਕੋਈ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਚਿਤਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠ ਬੋਦੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਰਾਮ ਹੋਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ ਔਗਣ ਕੋਈ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ
तेरा मन भी ऐसा निर्मल हो जाए कि उस्तत करदियां तू फुलिया ना समावे, अहंकार ना करे, ते कोई निंदा कर रहा है ते क्रोधित ना होवे। तेरा जीवन हो जाए जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेओ अर पै नहीं जांके, कंचन माटी माने, नह निंदिया नह उस्तत जांके, ना निंदा ना उस्तत। उस्तत हो रही है तो कोई खुशी नहीं, निंदा हो रही है तो किसे ते क्रोधित नहीं। जदों ऐसा तेरा सुभाव हो गया ना, ओए प्यारिया, तेरे विच ते भगवान विच परमेश्वर विच कोई फर्क ही ना रह जाएगा। कबीर, पानी हुआ तो क्या भया, जो सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। इस तरह दा सुभा कर लेगा ते फिर भाई चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। जदों फिर एदा निर्मल होके इना तुका नू पढ़ेगा ते गुरु तेनू अपने गल नाल ला लेगा। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। भाई गोंदा गुरु हर राय साहब जी दे वेले होया, ऐसी सुरत अमृत वेले जागी सुती होई, ज्यो बाणी पढ़दियां 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 गुरु हर राय साहब जी दे चरण पकड़े, हुण छोड़न नू जी नहीं करदा। अनुभव करके 500-600 मील दूर बैठे हन, अनुभव करके गुरु हर राय साहब जी दे चरण पकड़े, मुड़ मुड़ चुमदा, मुड़ मुड़ सीने नाल लाउंदा, मत्था टेकदा, छोड़न ते जी नहीं कर रहा। इधर कीरतपुर साहब मेरे पातशाह बैठे हन, जुड़े बैठे हन, ओ भी रब दा भगत भी जुड़िया ते रब भी जुड़िया बैठा। लंगर तो प्रेमी आ गया, लांगरी सिंह आ गया, महाराज सारी संगत बैठी है, तुसी चल के लंगर छकोगे ते तां संगत छकेगी, कृपा करो चलो। कहन लगे प्यारिया, भाई गोंदा साडे चरण पकड़ी बैठा, छोड़दा ही नहीं, छोड़े तो चलिए। दोपहर दे 3 बज गए। इधर भाई गोंदे दी बिरती उथान होई ते इधर मेरे पातशाह धन गुरसिखी कहंदे होए उठे ते लंगर छकिया। संगतां ने ओ समा नोट कर लिया, नोट कर लिया। थोड़े महीनियां विच संगतां नू नाल लैके जदों भाई गोंदा आया ते पुछिया, भाई गोंदे वही तेरा मन भी जुड़िया सी किते, सतगुरां दे चरण भी पकड़े सी, केड़े दिन? ओ दिन भी दस दिता, ओ समा भी दस दिता। कहंदा मेरे अख्तियार नहीं, ये चरणा दी मौजी ऐसी है, कहो कैसे अनुमान, कैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। मैनू पता ही नहीं लग्या दोपहर दे 3 बज गए, ज्यों अमृत वेले 4 बजे दे चरण पकड़े, मैनू होश ही नहीं रही। तो प्यारियो ये है जिन्हां ने चरणा दी मौज माणी है, आनंद माने है, इसलिए चरण कमल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर
दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला सतनाम वाहे गुरु 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 चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय।
जय गुरु जी की। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता।
कृपा।